दोस्तों, जो अगर आप किसी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और साथ ही वन विभाग में नौकरी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए एक खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि वन विभाग ने पूरे भारत से महिला और पुरुषों के लिए फॉरेस्ट गार्ड के सैकड़ों पदों पर बंपर भर्ती निकाली है और इसके लिए विभाग की तरफ से आधिकारिक नोटिफिकेशन को भी जारी किया गया है। इसलिए जो अगर आप इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही नौकरी से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जिस पोस्ट के लिए भर्ती होनी है उसका नाम वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड यानी वन आरक्षी पद है और इस नौकरी में आवेदन के लिए न्यूनतम आयु की सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु की सीमा 28 वर्ष रखी गई है। लेकिन आरक्षित वर्ग के युवाओं को आयु की अधिकतम सीमा में 5 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। इस फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में अभ्यर्थी का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसमें कि सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। दोस्तों, इस भर्ती के लिए पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 163 सेंटीमीटर और जबकि महिलाओं के लिए इसे 150 सेंटीमीटर रखा गया है। साथ ही फिजिकल के दौरान पुरुषों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर दौड़ना होगा, वहीं महिलाओं को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ लगाना होगा। दोस्तों, आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 12वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है और इस नौकरी में चयनित उम्मीदवारों को वेतन मैट्रिक्स लेवल 3 के तहत 21,700 से 69,100 रुपए तक का हर महीने वेतन दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस भर्ती को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कुल 894 पदों पर निकाला गया है, जिसमें आवेदन के लिए आपको संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म को भरकर अप्लाई करना होगा और इस नौकरी में आवेदन की प्रक्रिया कल से शुरू कर दी जाएगी, जो कि 7 अक्टूबर तक चलेगी। और अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए विभाग के ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।